हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे सब आज सजे धजे हुए हैं, सजे धजे तो नहीं है, लगा मतलब तैयार हो रखे थोड़ा बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग दीदी को छोड़ने। दीदी जा रही है ससुराल, मम्मी ने देखो लड़की की बैग बुक टंगा हुआ है ससुराल के लिए, खुश होके जा रही खुश हो रही है, मम्मी भी बैग टंगा हुआ है। तो हम जा रहे हैं, मम्मी तो रोड तक आएगी, हम जा रहे हैं इसको रुद्रप्रयाग तक छोड़ने के लिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में, ठीक है। तो गाइस, फाइनली दीदी को सी ऑफ करने आ रखी मम्मी यहाँ पे तक। वीरानी वेगे सेती पाल ये ले जाने पे बोलू जो ये ले जाने करो माजी ये लोग यो बेचारी यो आंस भी नहीं होना, यो कैसे नहीं आना आज के लिए और जेल में जाना हम जो आंस हो। वीरानी वेगे सेती पाली ए माजी मुझे कब आओ मन था ना का टफी का गे बाय 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 टफी बाय बाय ठीक छा ओके ओके बाय बाय। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बेटा की सारी में, जहां अभी मैं हूं, यहां के लिए बोलते हैं बेटा की सारी। और पीछे जो आप हरे भरे खेत देख रहे होंगे, ये हैं गेहूं के खेत। और अभी इधर वाली सारी में गेहूं की खेती हो रही है। तो आप देख रहे होंगे सीढ़ीदार खेत खेत हैं पीछे, तो मैं आपको पहाड़ों के सीढ़ीदार खेत दिखाती हूँ, ठीक है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं डुंडी कुले में। ऊपर आपको एक कुले की डाली दिख रही होगी, तो वो थोड़ा डुंडी है इसलिए उसको डुंडी कुले बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ये, और ये इतने हरामी है ना, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं पीछे रुक गई, कोई मुझे नहीं रुके। ये है अमीषा, ये भी हमारे साथ मार्केट आ रही है। बड़ा रिक्वेस्ट किया इसने, दीदी मैं अभी आऊँ मैं अभी आऊँ। मैंने कहा चल यार, हाँ इसकी सगाई हो गई है। अंगूठी दिखाना कैसे दे रखी तेरे पति ने, देखो दोस्तों सोने की अंगूठी। बड़ा अमीर लग रहा है भाई इसका पति, इतनी बड़ी अंगूठी दे रखी है। तो अभी मार्केट को चलते हैं, देखते हैं गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती, ठीक है। अब मैं सबसे आगे जाऊंगी अब, क्योंकि मुझे पीछे छोड़ रहे नहीं, तो अब इन सबको पीछे छोड़ के मैं सबसे आगे जाऊंगी। और यहाँ से पीछे का व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है, पूरा हरा भरा एकदम मस्त वाला। और सतेरा खाल रहा ये मार्केट ऊपर दिख रहा है, तो हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी, देन हम पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हमारी गाड़ी छूट गई, और अभी हम जा रहे हैं सतेरा, यहाँ मंत्री बैठते हैं तो उनके पास कुछ काम करवाना है। और बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ मिल रही हैं, आज एक बस आई थी उसमें सित्तो और दीदी चले गए, और अब इसके बाद गाड़ियाँ मिल नहीं आगे सीधे, अब इसके बाद गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी पता नहीं यार। अगर यही फंस गए ना तो मैंने इसका कपाल फोड़ना। तो ये सतेरा का रास्ता है, सतेरा गाँव का, तो यहीं ऊपर पर मंत्री बैठते हैं, तो चलते हैं काम करवाते हैं। इरादा मंत्री जी आज होना नहीं बस पोपट तू पर आंजी को तो पूछ अगर पूछ पोपट वे का मारो फोन कर इसे साइन फोन कर देती है मुझे जो तू अप्लाई कर दिया है प्रमाण पत्र पेन बोल पोपट के लेकर आए जान ना तो हम बस मजे हैं। अब हम तक गाड़ी मिली नहीं मिली पता नहीं, मतलब नहीं जो है पता से मैं यार पोपट हो गया। अब मंत्री आज आ ही नहीं रहे, बहुत गलत बात है ना, बिना बात की छुट्टी कर रहे हैं यार, यहाँ पोपट हो जाता है, इतनी दूर आ रखे हम। और अभी देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि आज बिल्कुल भी गाड़ी नहीं मिल रही। फोन को किया जाए, मैं पाल चाचा इस जिंदाबाद हमेशा, जैसे ही गाड़ी नहीं मिलेगी मैं पाल चाचा हमारे गांव के हैं ड्राइवर, तो उनको फ़ोन करते हैं। अब देखते हैं, आज मेरा फर्स्ट सूट हो रहा है गोप्रो से मार्केट में, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील भी हो रहा है, देखते हैं कैसे मैं सूट करूँगी रुद्रप्रयाग में। धक धक हो रही है, अरे बाबा। तो गाइस मुझे ये भी मिल गया अभी, इसको आपने ना चक्रव्यूह वाले व्लॉग में देखा होगा, और मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है आज मार्केट में गोप्रो से वीडियो बनाने में। मास्क तो दिखा, शक्ल तो दिखा अपनी, ये रही आंटी। आंटी अंदर है, स्टैंड बड़ी वाली गाड़ी वाला। तो गाइस रीटेक लिया जा रहा है, ये रही मेरी फ्रेंड, आपने इसको चक्रव्यूह वाला व्लॉग में देखा होगा। और इससे पहले मैंने इसकी एक थोड़ा सा बेइज्जती करी थी ना, इसमें बोला वो वाला मत डालना, तो अभी मैं इसकी अभी अभी काफी बेइज्जती कर दी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी लड़की है, इसने मेरा किराया भी दिया, और अभी ये मुझे मोमोज भी खिलाएगी, है ना, जबरदस्ती किराया, मैं बोली मेरा किराया दे दे। तो अभी हम जा रहे, शॉर्टकट वाला रास्ता था वो बंद हो रखा है, तो अभी हम पूरा घूम के जा रहे हैं। तो
देखते हैं क्या है खिलाती आज मेरे दोस्त मिले ठीक है सस्ते में निपटा रही भाई खाली जगह मिली जहाँ मैं ब्लॉग शूट कर सकती हूँ नहीं तो लोग सब ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया कैमरा उठा के तो ये सब के सब तो अपने में लगे हुए हैं यार ब्लॉग तो मुझे ही शूट करना है ये तो पीछे से कुछ बोलते ही नहीं है यार मुझे थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते हैं और जैसे ही मैं कैमरा उठा रही ना लोग पीछे से ऐसे ऐसे करके देख रहे थे देखो बौड़ा जी भी देख रहे थे तो अभी कन्फ्यूज़ है हम इसके घर तक जाएँ कि इसको आधे रास्ते तक छोड़े ये कह रही ऊपर आना है तो हमारे घर घर ही रहना पड़ेगा तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है गजब भेजती है यार तो देखते हैं क्या सीन होता है अभी हम मार्केट में दीदी ये आगे और इन पे देखिए ये हमारे नौकर बना के रखा हुआ है यार आज मैं बन गई रामू काका और ये मेरा कैमरामैन तो और मैं कैमरामैन हेलो 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 आप भी कुछ बोलिए दो सब तो गाइज अभी हम यहाँ आ रखे थे जल संस्थान में बिल भरने के लिए तो बहुत सारे काम है और ऐसे घर के बहुत सारा सामान सामान लेना है और इसके साथ अब काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आएगा जल्दी आना ठीक है मायके भूल न जाना नाना मैंने रोंदो तो अभी यहाँ से मतलब थोड़ा सा ही है इसका घर वैसे ये कह रही ऊपर आ जा लेकिन ऊपर आएंगे तब वहीं फंस जाएंगे तो ज़्यादा जिद भी नहीं कर रहे ना एक तो ये ऊपर आने के लिए जिद करती तो मैं चले भी जाती लेकिन नाना जा जिद नहीं तो आओ तो यहाँ से अब मेन मार्केट स्टार्ट होता है तो अब देखते हैं क्या कहाँ कहाँ पे ब्लॉग बनता है ठीक है देखो ये कुली बना हुआ हमारा दे देना यार इसको 10-20 रुपये ठीक है तो चलते हैं अभी ठीक है तो गाइज अभी हम कैंटीन वाले एरिया में आपने पहचान लिया होगा कैंटीन वाला एरिया और बहुत देर बाद सोचने के बाद हमने डिसाइड किया है हम जाएंगे दीदी के घर तक और ये भी जिद कर रही थी और हमने भी इसे बोला जिद करता आएंगे हम तो अभी हम ये देख सकते हो कैंटीन वाले एरिया में हैं और अभी यहाँ पे ये देखो गाड़ी भी आ रही है और वहाँ से फौजी साहब भी आ रहे हैं हमारे तो जैन सर तो अभी हम जा रहे हैं इसके घर पे तो आपको ऊपर मिलता है सीधे ठीक है देखो फौजी देखो भाई साहब तो गाइस दीदी के ससुराल के नज़दीक पहुंचते हुए और यहाँ देखो यहाँ का कितना अच्छा मौसम है यार यहाँ का वो क्या प्रकृति व्यू यहाँ का व्यू देखो क्या मस्त व्यू है ये देखो हरा भरा तो अभी अपने ससुराल वाले एरिया में आ गए हैं तो अभी ये थोड़ा शरीफ बनेगी यहाँ से मेरे को कौन करेगा है मौसी प्रणाम बोल मौसी प्रणाम बोल हो गया ऐसे जबरदस्ती प्रणाम करा दी ये भी प्रणाम कर रहा बुझो ओए चाची प्रणाम 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 बोल ए रिद्दू रिद्दू हाय बोल हाय हाय रिद्दू हाय शानी नहीं खानी रिद्दू पीडू ब्लॉगिंग करेगा शानी मैं रिद्दू देखो इधर प्रणाम कर तो उनको प्रणाम कर प्रणाम कर सबको प्रणाम कर प्रणाम रिद्दू सबको प्रणाम कर उनको प्रणाम कर कर कैसे देख रही कैसे देख रही हाँ पकड़ पकड़ हेलो गाइस और शीशे पे भी देख रही है यहाँ सामने पे ना शीशा है यहाँ पे भी देख रही खुद को हेलो गाइस कैसे हो मौसी तो दोस्तों अभी अमीषा और मैं आज यहीं रुकने वाले हैं दीदी के घर पे पहले हमारा प्लान था कि बाजार तक ही आएंगे फिर प्लान बना कि घर तक आएंगे खाना खुना खा के चले जाएंगे फिर प्लान बना यहीं रुकेंगे आज क्योंकि थकान लग गई यार बहुत सारा काम था मार्केट में और अभी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और यहाँ से तो बहुत ही ऑसम वाला व्यू है यार जैसे मैंने आपको बताया ये देख सकते हो अमीषा भी व्यू का मज़ा ले रही है और अभी खाना खुना बन रहा है अंदर खाना खुना खा के थोड़ा बहुत आराम करते हैं तब उसके बाद दिखाते हैं आपको जो भी होगा ब्लॉग में ठीक है अब गोली चला मेरे पे मत चला GoPro पे चलाई नहीं सामने चला सामने तोड़ेगा मेरा कैमरा उधर चला इधर चला ये फौजी बनेगा है गुल्ली कौन लाए तेरे को कौन लाए तेरे को अच्छा फौजी की गन लाए
पबजी का चाकू भी मिला है। अरे हमारी दीदी आई है, हमारी दीदी। खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश हो। बोल हेलो गाइस, बोल हेलो गाइस। कैसे कुछ बोल अपने गाइस के लिए, हैं कुछ बोल अपने गाइस के लिए, क्यों? तो गाइज अभी हमने जस्ट खाना खुना खाया है, यानी कि दिन का लंच करा है और अभी बहुत ज़्यादा थकान लगी है, बिल्कुल सोने का मन कर रहा है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। तो अभी हम करने वाले हैं आराम और इस ब्लॉग को भी यहीं पर करते हैं क्लास, एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, ठीक है? तो अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।